हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है पॉलीनोमियल स्टार्ट किए थे और पॉलीनोमियल को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जो 10th क्लास के हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल के अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स प्लस 3 ऐड करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है एक्स प्लस 3 और यानी कि जोड़ना है, ऐड करना है ना x प्लस 4 को, इनको क्या करना है, जोड़ना है भाई। ठीक है, पी एक्स बराबर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन जब करोगे, सॉल्यूशन हल करोगे तो पी एक्स बराबर क्या लिख लो, x प्लस 3 और जी एक्स बराबर क्या लिख दो, x प्लस 4। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स दोनों को लिखोगे और ऐड कैसे करोगे, कंपोनेंट वाइज करना है हम लोग को, है ना। तो कैसे करा जाएगा, x प्लस 3 ऐसे लिखो, x प्लस 3 फिर ब्रैकेट बनाओ, उसके बाद x प्लस 4 लिखो। तो यहाँ पर देखो सेम घात वाले, सेम घात यहाँ पॉलिनोमियल है, बहुपद है, एक घात का बहुपद है, ये भी एक घात का बहुपद है। तो इसको ब्रैकेट हटाओगे, पहला काम x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 करोगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करोगे, सेम वाले वेरिएबल को एक साइड करोगे तो x प्लस x कितना हो गया बच्चों, 2x, और 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। तो 2x प्लस 7 इसका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि दो पॉलीनोमियल के बीच में घटाने का यूज़ कर लेते हैं कि दो पॉलीनोमियल को कैसे घटाया जाएगा। सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 5। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है भाई। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या रूल होता है बताइए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल बनता है आपको क्या करना है, इसमें से फ्रॉम इसको घटाना है। ठीक है, ये वाली चीज़ को इसमें से घटाना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले 2x स्क्वायर ये वाला लिखोगे, सॉल्यूशन जब करोगे तो पहला तो काम क्या लिख लो, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको ऐसा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में से किसको घटाना है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को घटा देना है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है इस चीज़ को फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसका मतलब आपको जो है इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहली बात बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये दो घात दिख रहा है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 पावर है, तो ये दो घात का क्या है, बहुपद है, पॉलीनोमियल है, कितने घात का, 2 डिग्री का, ये भी पॉलीनोमियल है 2 डिग्री का। 2x स्क्वायर माइनस, पहले तो आपका क्या करना है काम, ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, चिन्ह बदलते जाएंगे, ये अंदर जाएगा तो माइनस एक्स बन जाएगा, ये अंदर जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा। अगला काम क्या है, आपको यहाँ से सेपरेट करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर वाले को एक जगह लिखोगे ऐसे, बीच में प्लस लगाओगे, x वाला दिख रहा है देखो, यहाँ 2x है प्लस में, हाँ तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2x को लिखना है और यहाँ से 1x को लिख देना है, फिर नंबर वाले को यानी कि कांस्टेंट को लिखना है बच्चों, क्या लिखोगे, 5 प्लस 2 लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाओगे तो आपको जो है 1x स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ से आपका जो है 1x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 2x में से 1x क्या बच्चों, 1x आ जाएगा, प्लस 5 और 2 कितना होता है, 7, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें। अगला प्रश्न है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये लिखा हुआ है, से घटाना है, क्या करना है बच्चों, से घटाना है, यानी इस चीज़ को यहाँ से घटाना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 में से किसको घटाना है बच्चों, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को सेपरेट करना है, तो ये वाले चीज़ को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, सेम घात वाले, दो घात वाले जितने भी हैं उनको क्या करना है, एक जगह करोगे, फिर x वाले को एक जगह करोगे, इसी तरह से आपको क्या करना है, प्रोसेस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ 3x स्क्वायर वाला है तो पहला प्रोसेस होगा आपको ब्रैकेट हटाओगे, कोष्टक को हटाओगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3
फिर अंदर लेके जाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स, फिर ये अंदर जाएगा, चिन्ह बदलते जाता है तो फोर हो जाएगा। इसमें से क्या करोगे, इसको घटाओगे, जैसे ही घटाओगे फिर आपको ध्यान देना है कि ये कितने घात वाला है, दो घात वाला, यहाँ भी दिख रहा है दो घात वाला, इनको एक जगह लगाओगे तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक जगह लिख दिया प्लस, फिर यहाँ कितना लिखा है टू एक्स, इसको ऐसे लिखोगे टू एक्स, यहाँ कितना लिखा हुआ है माइनस थ्री एक्स, टू एक्स माइनस थ्री एक्स को एक जगह करोगे, जो भी चीज़ें लिखी रहेगी उनको एक जगह करोगे। और क्या करना है, यहाँ से नंबर वाला देखना है, ऐसे प्लस बनाओगे, यहाँ नंबर कितना है माइनस तीन है, यहाँ कितना है प्लस का चार है, तो माइनस तीन प्लस चार करोगे। उसके बाद आपको क्या करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो बच्चों बताओ तीन एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया कितना हो गया, दो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से तीन में से दो में से माइनस तीन तो नहीं जाएगा, टू माइनस थ्री कितना होता है माइनस वन होता है, तो ये आपका जो है माइनस वन मीन्स माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ से चार में से तीन गया, बड़ी संख्या प्लस में है तो चार में से तीन गया एक आ जाता है, तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। कि अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे रहा है यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री से, तो उसको पहले लिखना है फिर इसको माइनस करते जाना है। क्लियर है? तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करो और हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको दो ठोक पॉलिनोमियल को जोड़ना सिखाया, घटाना सिखा दिया, अब एक ठोक आता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, गुणा करना, तो बहुपदों का गुणा। अब जो है अगला बारी किसकी आएगी, बहुपदों का गुणा करना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी जो अगला हम लोग का टॉपिक है क्या, बहुपदों को, बहुपदों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे गुणा करा जाएगा, पॉलिनोमियल का गुणा कैसे करा जाएगा। दो बहुपदों का अगर हमको गुणा करना हो तो कैसे करोगे, अगर मैं बोलूँ x प्लस थ्री को गुणा कीजिए x प्लस फोर से, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना है x प्लस थ्री को लिखना है और इनटू में x प्लस फोर लिखना है, बराबर लगाओगे, एक को पकड़ो ऐसे x लिखो, इस x का गुणा सब के साथ जाएगा, तो x गुणित में ये वाला x धन चार लिखोगे ऐसा, फिर प्लस तीन लिखोगे ऐसे, प्लस तीन लिखो और तीन के बाजू में फिर से x प्लस फोर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस फोर का गुणा x से भी होगा और x प्लस फोर का गुणा तीन से भी होगा, तो दोनों से गुणा हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का गुणा अब सम में जाएगा, तो x इंटू x बच्चों कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है, आधार समान है, घाते जुड़ जाती है, तो x इंटू x किस क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बोलते हैं, प्लस x का गुणा चार से जाएगा तो चार एक्स बन जाएगा, प्लस तीन का गुणा x से लेके जाओगे तो तीन एक्स हो जाएगा, प्लस तीन गुणित चार कितना होता है बच्चों बारह हो जाएंगे, तो चार थी बारह, फोर थ्री से ट्वेल्व हो जाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर एक ही है तो यही आएगा, प्लस चार और तीन कितना हो जाता है सात एक्स हो जाएगा, प्लस बारह का बारह एज इट इज रहेगा, तो ये इसका गुणा हो गया। तो आंसर कैसे गुणा करना है बहुपदों को मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से रहेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला जो है कैसा रहेगा, लिखे रहेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसको, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव टू एक्स माइनस सेवन, यानी कि एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस सेवन को मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो कैसे करोगे गुणा, मल्टीप्लाई करना हो तो पहला प्रोसेस एक्स प्लस फाइव को लिखो ऐसे, एक्स प्लस फाइव इंटू में क्या करोगे एक्स माइनस सेवन लगाओगे, ठीक है, बराबर लगाओ, एक एक्स का गुणा करना पड़ेगा, पहले एक्स लिखो, एक्स का गुणा सबके साथ जाएगा ऐसे, एक्स माइनस सात लिखोगे, प्लस लगाओगे, पाँच है यहाँ पर तो पाँच लिखोगे, पाँच गुणित एक्स माइनस सेवन सेवन, तो यानी कि जो भी नंबर यहाँ पर होंगे ना उसका मल्टीप्लाई इधर सबके साथ होगा, एक्स के साथ भी हो जाएगा पूरे का मल्टीप्लाई, पाँच के साथ भी हो जाएगा पूरे का मल्टीप्लाई, ओवरऑल हमको अब क्या करना है यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स इंटू एक्स बच्चों कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुणा माइनस सात से करोगे तो माइनस सात एक्स हो जाएंगे, इधर आ जाओ प्लस पाँच गुणित एक्स कितना होता है तो पाँच एक्स हो जाता है, माइनस फाइव इंटू सेवन कितना होता है पैंतीस, कितना थर्टी फाइव हो जाते हैं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर अकेला है यही रहेगा, यहाँ माइनस सेवन है यहाँ प्लस का पाँच है, बहुत से बच्चों को जोड़ना घटाना नहीं आता है तो उनको भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, तो यहाँ माइनस सेवन है यहाँ प्लस पाँच है, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस सात में से पाँच गया कितना आएगा माइनस का दो आएगा, ठीक है, तो माइनस दो एक्स आ जाएगा, सात में से पाँच गया माइनस दो होता है लेकिन बड़ी संख्या के सामने चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगी,
माइनस का 35, तो आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। अब हम एक बड़ी संख्या को लेके सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये आपका ट्राई दिस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजी बोर्ड का है ये, मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल, यानी कि बोल रहा है ये दो बहुपद हैं इनका गुणा कीजिए, ठीक है, गुणनफल कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यानी कि इनका और इनका क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा गुणा कैसे करना है बच्चों, बहुत से बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है, आराम से समझो, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, चाहो तो इसको नाम दे सकते हो आप, कोई भी नंबर ऐसे लिख सकते हो, माना लेट करके, लेट पी एक्स, पी एक्स बराबर क्या ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ऐसा लिख दो, दूसरे वाले को दूसरा नाम दे दो, जी एक्स दे दो, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए क्या करोगे, ऐसे लेफ्ट हैंड में क्या करोगे, पी एक्स इंटू क्यू एक्स लिख दिया, हमको गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए ये पूरी लाइन लिख दो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका गुणा करना है बच्चों किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको देखोगे तो एक्स स्क्वायर इसका गुणा सबके साथ होएगा, तो आपको एक्स स्क्वायर लिखना है और ब्रैकेट बनाओगे, पूरी लाइन लिख दो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ऐसा लिख दिया, यहाँ जो भी नंबर है उतार दो ऐसे, प्लस बनाओ 2x लिखा है तो 2x लिख दो, फिर ब्रैकेट बनाओ पूरी लाइन लिख दो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस 3, तो आपको क्या लिखना है, माइनस 3 लिखना है और फिर से यही लाइन लिख देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, पूरा इसी चीज़ को आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आने वाला है आपका एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, कितना आएगा भाई, पावर जुड़ जाती है, घातें जो है ना जुड़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की घात में 4 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इससे करोगे तो प्लस लगाओ एक्स स्क्वायर और एक एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की घात में 3 हो जाएगा, माइनस लगाओगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कर लिए आपने, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ प्लस है तो ऐसे प्लस बनाओ, और 2x का गुणा एक एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा तो 2x की घात में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो ये जुड़ जाते हैं, 2x का गुणा x से करोगे तो प्लस लगाओगे, चिन्ह यहाँ प्लस है, 2x इंटू एक एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2x का गुणा माइनस 2 से करोगे ना बच्चों, तो 2x इंटू माइनस 2 माइनस का 4x आ जाएगा ऐसा, हो गया। अभी बचा माइनस 3 का गुणा इनके साथ करना है, तो माइनस 3 का गुणा करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अंदर लेके जाओगे तो माइनस 3x आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, 3 गुणी 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये चीज़ें आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है इसमें कि भाई समान घात वाले कौन कौन हैं, तो अगर मैं बोलूं x की घात 4 वाला और कहीं है क्या, इसमें नहीं है, तो ये x की घात 4 ऐसे नोट कर लोगे। फिर 3 घात वाला देखो कहाँ कहाँ है, 1 है 2 है, तो इनको जोड़ोगे, तो यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना का, देखो इसके सामने कितना लिखा है प्लस 2, यहाँ कितना लिखा हुआ है x की घात 3, और चाहो तो आप इसको एक लाइन और लिख सकते हो वैसे, ऐसे लिख लो x की घात 3 है यहाँ पर, यहाँ से 2x की घात में 3 है, तो प्लस लिखो 2x की घात में 3 है लिख दो ऐसे, तो 4 घात वाला भी हो गया, 3 वाला भी हो गया, अब किसकी बारी, 2 घात वाले, तो 2 घात वाले कौन कौन से, देखो ये है माइनस 2x स्क्वायर है, ये प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाते हैं, प्लस में है ये माइनस में है, तो कट गया, यहाँ कितना है बच्चों देखो 3x स्क्वायर माइनस में है, तो ये अकेला है, तो ये ऐसे उतर जाएगा। फिर एक एक्स वाला खोजना है आपको, तो एक एक्स वाला देखो कहाँ है, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, प्लस का 6, तो आपको क्या करना है, प्लस का 6 लिख देना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स की घात में 4 प्लस 2 और 1 3, 3 एक्स की घात में 3 हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 घात का, 3 घात का, 2 घात का, 1 और नंबर, तो ये जो है सबसे बड़ी कितनी घात का है, 4 घात का, तो इसको जो बोलते हैं 4 घात का एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है ये, ठीक है।